Brought to you by Ludo Fantasy. Wishing you a very happy and healthy new year. फैंस जिनके मन की बात सब नहीं समझ सकते, ऐसा हम नहीं, शाहरुख खान ने कहा था अपनी पिक्चर फैन में। और इसी पिक्चर में शाहरुख ने शाहरुख को यह चेतावनी भी दी थी कि गौरव यानी फैन है तभी आर्यन यानी सुपरस्टार है। और आज का हमारा किस्सा कुछ हद तक इसी फिल्म जैसा है। इसमें एक स्टार है, एक फैन है और है एक ईंट जो जाकर गिरी थी एक सर पर। सर किसका और ईंट किसकी ये भी बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। पहले शुरू से शुरू करते हैं। विवियन रिचर्ड्स, स्टीव वा, ग्राहम गूच, जहीर अब्बास, डेविड गॉवर, ये वो नाम हैं जिन्होंने सालों तक गेंदबाजों को डराया है, हजारों रन बनाए और कई दफा तो पूरे डोमिनेशन के साथ पूरी बॉलिंग लाइनअप को परेशान किया। लेकिन इन तमाम नामों में सिर्फ यही एक चीज कॉमन नहीं है, इनमें एक और बात कॉमन है। ये डरते थे एक बॉलर से, वो बॉलर जिसके बारे में रिचर्ड्स खुलकर कहते थे कि ये इकलौता बॉलर है जिसके सामने मुझे दिक्कत होती है। और ये वही बॉलर था जिसकी एक गेंद ने गूच के हेलमेट को बीच से चीर दिया था, जबकि अब्बास के हेलमेट पर यह इतनी जोर से लगी कि हेलमेट 3 इंच गहरे धंस गया। इसी बॉलर की एक गेंद पर गौवर की पैडिंग और थंब गार्ड के साथ अंगूठे का एक बड़ा हिस्सा लगभग थर्ड स्लिप में जा गिरे। साइमन ह्यूज ने सिल्वेस्टर क्लार्क नाम के इस बॉलर की सिर्फ 3 गेंदें खेली और तीसरी गेंद पर जो हुआ उसके बारे में रिटायर होने के बाद ह्यूज ने लिखा था, मनुष्य द्वारा बनाए गए 2 मिलीमीटर फाइबर जितने करीब से मैं मरने से बचा। जबकि स्टीव वॉ का किस्सा अलग ही है। ये बॉलर जिसे दुनिया सिल्वेस्टर क्लार्क नाम से जानती है सालों तक सरी के लिए काउंटी क्रिकेट खेला था। और वॉ की बुरी याद ऐसे ही एक मैच से है जब वह समसेट की ओर से खेलते थे। सरी के खिलाफ मैच से हफ्ते भर पहले ही वॉ को अपनी टीम में बिखराव दिखने लगा था। ड्रेसिंग रूम में मैच की तैयारी करते प्लेयर्स के चेहरे पर मुर्दा शांति पसरी थी और फिर जब वॉ की बैटिंग आई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पितृदेव संरक्षणम भी किसी काम नहीं आने वाला। द गार्डियन के मुताबिक वॉ ने बाद में इस अनुभव के बारे में कहा था, यह मेरे करियर का सबसे अजीब और बुरा स्पेल था। यह कुछ ऐसा था जिसकी आप तैयारी नहीं कर सकते। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का उत्पीड़न था और जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, आप या तो आउट हो जाते हैं या फिर चोटिल। यहाँ तक आने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि ये सब माया है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई कम और फिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि शायद आपने अभी तक सिल्वेस्टर क्लार्क की क्रिक इन्फो प्रोफाइल देख ली होगी। सिर्फ 11 टेस्ट और 10 वनडे, ये भी कोई प्रोफाइल है महाराज? इससे ज़्यादा तो एवरेज प्लेयर भी खेल जाता है, फिर ये धाकड़ प्लेयर इतना कम क्यों खेला? इस सवाल का जवाब भी है हमारे पास। दरअसल सिल्वेस्टर उस दौर में क्रिकेट खेलते थे जब वेस्ट इंडीज के पास 1, 2 या 3 नहीं पूरे 5 खूंखार पेसर थे, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्राफ्ट, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग। और इनके होते हुए सिल्वेस्टर का हाल अमोल मुजुमदार जैसा था, टैलेंट की कोई कमी नहीं लेकिन जगह कहाँ है। हाँ, तो अब बारी उस किस्से की जिसे शुरू में बताकर मैंने आपको इतनी देर फंसाया। बात 1980-81 की है। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान टूर पर थी, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के 3 टेस्ट मैच निपट चुके थे। मेहमान टीम 1-0 की लीड के साथ मुल्तान पहुंची। यहाँ 30 दिसंबर को पहला टेस्ट शुरू हुआ। वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में 246 रन पर ही सिमट गई, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत भी गड़बड़ाई और इस गड़बड़ाने की शुरुआत हुई थी सिल्वेस्टर द्वारा। सिल्वेस्टर ने शफीक अहमद और सादिक मोहम्मद की ओपनिंग जोड़ी को अकेले ही निपटा दिया। मैच के दूसरे दिन मुल्तान की जनता बेचैन हो गई और बेचैनी में लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा जिस पर बाद में पछतावा हो। मुल्तान की जनता ने भी ऐसा ही किया और ऐसा करने में उनकी प्रेरक बनी कराची की पब्लिक, वही पब्लिक जिसने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें फल खाने को दिए थे, वो भी चलते मैच में उनकी पीठ पर फेंक कर। हालांकि कम तो मुल्तानी भी नहीं थे, उन्होंने मैच के पहले ही दिन विंडीज के चेंजिंग रूम पर हमला किया था। लेकिन अब बात बढ़ने जा रही थी और इस बढ़ती बात में सिल्वेस्टर फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक संतरा आकर उनकी पीठ पर लगा और इस संतरे से चोट भले न लगी हो लेकिन इसने सिल्वेस्टर के धैर्य की मटकी चकनाचूर कर दी। सिल्वेस्टर काफी देर से खुद पर पड़ रही चीजें देख रहे थे, क्राउड लगातार उन पर तमाम तरह की चीजें फेंक रहा था और इनमें हार्ड रॉक बोले तो पत्थर से लेकर सूफी सॉफ्ट यानी संतरे तक शामिल थे। और फिर जब ये संतरा सीधे सिल्वेस्टर पर लैंड हुआ तो सिल्वेस्टर ने पलटवार की सोची और गुस्से में बाउंड्री मार्क करने के लिए रखी ईंट को फैंस की ओर उछाल दिया और ये उछली ईंट जाकर गिरी 22 साल के शफीक अहमद के सर पर। पेशे से छात्र शफीक का सर फट गया, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां सर्जरी के बाद उन्हें थोड़ा आराम पहुंचा। हालांकि इस सर्जरी से पहले मुल्तान में हालात बिगड़ चुके थे, पहले से चिड़ी जनता अब बेकाबू हो रही थी
और इन हालात में मैच को 20 मिनट के लिए रोककर माहौल ठंडा करने की कोशिश की गई और मुल्तान की इस ठंड को बढ़ाने में विंडीज के दिग्गज एल्विन कालीचरण का बड़ा रोल था। कालीचरण ने फाइन लेग की ओर जाकर घुटनों के बल बैठकर लोगों से शांत होने की अपील की और उनकी इस अपील के बाद लोग माने और फिर मैच शुरू हो पाया। मैच के बाद विंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने इस घटना पर कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मुझे नहीं पता कि क्या आजकल गलत तरह के लोग खेल देख रहे हैं। खुद पर आ रहे पत्थरों से क्लार्क की आंख जा सकती थी। उसे इसका अफसोस है, हम सभी को इसका अफसोस है, लेकिन भले ही लोग हमें कितना भी उकसाएं, हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद सिल्वेस्टर क्लार्क और विंडीज के मैनेजर जैकी हेंड्रिक्स ने अस्पताल जाकर शफीक से मुलाकात कर माफी मांगी। हालांकि इसके बाद भी क्लार्क पर 3 मैच का सस्पेंशन लगा और इस पूरी घटना के बाद, इस सस्पेंशन के बाद, वह वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 1 टेस्ट खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1982 में हुए इस टेस्ट के बाद उन्होंने विंडीज से विद्रोह कर साउथ अफ्रीका टूर पर गई टीम में खेलने का न्योता स्वीकार कर लिया और इसके चलते विंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध के चलते उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद भी वह क्रिकेट खेलते रहे। सिल्वेस्टर ने सालों तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और अपने फर्स्ट क्लास करियर का अंत 942 विकेट्स के साथ किया। ये विकेट 238 मैच में आए थे। 11 दिसंबर 1954 को बारबाडोस में जन्मे सिल्वेस्टर सिर्फ 44 साल की उम्र में 4 दिसंबर 1999 को बारबाडोस में ही स्वर्गवासी हो गए। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। कैमरे के पीछे बाल मुकुंद थे और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।